नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मान दिया। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पायलट सभी महिलाएं रहीं। इस मौके पर काफिले के सभी अधिकारियों ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो सम्मान दिया है उसके लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आज हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के पूरे टारगेट में महिलाओं ने गाड़ियां चलाई हैं। आइए हम बात करते हैं कमला नगर थाने से। आप मैम नाम बताइए पहले तो अपना। सब इंस्पेक्टर आकांक्षा। आकांक्षा जी, कैसा लगा आज आपने सीएम की गाड़ी का टारगेट जो है उसकी गाड़ियां चलाई हैं, कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बड़ा प्राउड फील हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे पे सीएम साहब ने हमें गिफ्ट दिया है इतना अच्छा कि हम टारगेट का हिस्सा बने जी। क्या लगता है कि ऐसे और मौके देना चाहिए कि केवल महिला दिवस पर ही ये महिलाओं का सम्मान होना चाहिए कि हर समय होना चाहिए, आप क्या? नहीं, सीएम साहब के रहते तो हमेशा ही महिलाओं का सम्मान हुआ है, कभी हमें झुकना नहीं पड़ा है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं हमें ऐसे अवसर और भी मिले। आकांक्षा जी, क्या आपको ऐसा लगा कि आज सीएम साहब को गाड़ी चलाना चाहिए और आप लोगों को बैठती तो और सम्मान मिलता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा। वुमेंस डे पे हमें आज फिर वुमेंस को एक बार आगे आना था ना, इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आगे बढ़ के हिस्सा लें। पूरे रास्ते से गाड़ी चलाते आए लोगों ने आपको फील किया, कैसा महसूस कर रही थी? काफ़ी प्राउड फील हुआ, काफ़ी प्राउड मोमेंट है। जब लोग हम लोग निकल रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि देखो लड़कियां गाड़ी चला रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आमतौर पर तो सभी लड़कियां चला लेती हैं, बट एक कारकेट का हिस्सा होना और कम्प्लीट सीएम साहब को मतलब गाइड करना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। पूरी प्रदेश की महिलाओं से आज क्या कहना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज। सभी महिलाओं से एक ही सिर्फ कहना चाहूँगी, एक ही बात कि आप कृपया करके आपके साथ कोई भी अपराध होता है आप हमें बताएं, मध्य प्रदेश पुलिस को बताएं, हम हमेशा आपके साथ हैं हर वक्त। तो जैसा देख रहे हैं आप, शुरू से लेके आखिरी तक आज पूरी गाड़ियाँ सीएम की जो महिलाओं ने चलाई है और महिला जो पुलिस थी उनको बड़ा प्राउड महसूस कर रही थी। उनको लग रहा था कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें एक अनोखा तोहफा दिया है, उनसे गाड़ियाँ चलवाई हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत प्राउड और सम्मानित महसूस कर रही थी। इसी कड़ी में हम आज और बात करते हैं। देखिए, जैसे कि आप टारगेट है उसमें महिलाएं बैठी हुई हैं सब अपने हिसाब से जी। दीदी, आज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। क्या महसूस कर रही थी, क्योंकि जब सीएम साहब आ रहे थे उनके टारगेट की गाड़ियां आप चला रही थी, कैसा फील कर रही थी? बहुत अच्छा फील कर रहे थे। अभी तो रिंग राउंड ड्यूटी की है हम लोग ने, मगर पायलट कार वो भी सीएम साहब की पहली बार चलाने में बहुत अच्छा लगा। और प्रदेश की हर जनता आपको देख रही थी, किस तरीके से महसूस कर रही थी उस समय? अपने आप में ही बहुत गौरव फील कर रहे थे। कहीं ना कहीं जितनी महिलाएं जो थी पायलट वो अपने आप में बहुत गर्व महसूस कर रही थी और पूरी की पूरी सीएम की गाड़ियां जो हैं वो महिलाएं ही चला रही थी और उनको कहीं ना कहीं बहुत प्राउड हुआ। आइए और बात करते हैं जी, आज आपने सीएम की टारगेट की गाड़ियों को चलाया, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सीएम के टारगेट के वार्नर का ड्राइव कर रहे हैं। आज महिला दिवस पर एक अनोखा तोहफा दिया है सीएम ने आपको, क्या कहना चाहेंगी प्रदेश की महिलाओं से? प्रदेश की महिलाओं को तो पहले हैप्पी वुमेंस डे, और यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल इसी ही लगन से काम करते रहें, जिस तरह से ये जो बना रहे हैं यहाँ पर भोपाल हाट में, और ये सभी महिलाएं आजकल आत्मनिर्भर हैं और इसी तरह से कार्य करते रहें, हैप्पी वुमेंस डे बन सके। तो सभी महिलाओं ने महिला दिवस पे आप सभी को महिलाओं को प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कैमरामैन भज्जी के साथ शक्ति भारती, भोपाल। हमारी महिलाओं में बहनों में कितने गुण हैं ये हुनर हाट में आकर पता चलता है। अलग अलग जो उनका स्किल है उसका यहाँ प्रकटीकरण हुआ है, कई तरह का सामान बहनों ने बनाया है, यही लोकल को वोकल बनाना है। सामान सब गुणवत्तापूर्ण है, बहनों की आजीविका को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए मैं अपील करूँगा प्रदेशवासियों से कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो यहाँ मिलती है यहीं से खरीदें, क्योंकि ये हमारी बहनों को भी ताकत देगी
और गुणवत्तापूर्ण भी है। मैं आश्चर्यचकित रह गया, कोदो के व्यंजन, कोदो मिलेट्स में आता है, मिलेट्स मोटा अनाज, इतने स्वादिष्ट इडली डोसा खीर खिचड़ी अलग अलग व्यंजन। अब ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हितकारी है और विशेषकर जिनको कई बीमारियां होती है। और ये डिंडोरी की बहनों, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं तेजस्वी समूह की, वो ये काम कर रही हैं। हुनर हाट में आके यही पता चलता है कि अद्भुत क्षमता है बहनों में बेटियों में, और मध्य प्रदेश शासन संकल्पबद्ध है इस क्षमता का बेहतर उपयोग करके बहनों की आजीविका बढ़ाने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए और लोकल को वोकल बनाने के लिए। आज मैंने जो नाश्ता यहाँ किया वो अद्भुत है। अब ये सारे उत्पाद, इनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग करके ठीक से बहनों का रोजगार बढ़े, इसका प्रयास करेंगे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ आके। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन भज्जी सिंह के साथ शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।